أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear SLS students السلام عليكم Hope you will be fine Now we start our subject Know Your World Class 2 Lecture number 19 Unit number 2 Point number 7 Page number 32 or 33 की आज हम reading करेंगे water ठीक है पानी Water is very important for all kinds of live on earth There are two kinds of water fresh water and sea water All animals drink fresh water. Humans also use fresh water for cooking, washing, and growing crops and plants. The water found in the seas and oceans is salty. It cannot be used for drinking or growing crops and plants. जी जो पानी है वो ज़मीन पे बसने वाले हर इंसान या जानदार जो हैं या ठीक है ना जानवर हैं या इंसान हैं पौधे हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है अब पानी की क्या होती हैं दो किस्में होती हैं एक तो फ्रेश वाटर होता है मतलब ताज़ा पानी होता है साफ पानी होता है और एक होता है सी वाटर एक मतलब दरियाओं और समुद्रों का जो पानी है वो है ठीक है तमाम इंसान और जानवर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर पीते हैं और क्या करते हैं हम लोग खाने पकाने में भी क्या करते हैं कि मतलब फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स के लिए अगर दरियाओं और समुद्रों का पानी देखिए अगर फसलों को लगाया जाए ना वो सॉल्टी होता है फसलें क्या हों जल जाएं ठीक है ना और क्या होता है कि समुद्रों में जो और दरियाओं और समुद्रों में जो पानी होता है ना इतना ज़्यादा अब देखें हम दुनिया के नक्शे पर अगर आप लोग देखें तो कितना ज़्यादा पानी मौजूद है फिर भी हम लोग कहते हैं कि पानी की ज़मीन के अंदर कमी हो रही है ठीक है या पानी का लेवल डाउन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि ये पानी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है ठीक है ना इसमें पानी नमक की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है ना तो हम ये फसलों के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है द सी अ सी और ओशन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर ठीक है जो समंदर होते हैं ठीक है या ओशंस होते हैं वो बहुत बड़ी पानी की एक मिकदार जो होती है ठीक है जहाँ पे मौजूद हो से ओशंस या सी बोलते हैं रिवर रन इनटू द सी एंड ओशंस ठीक है जो रिवर्स होते हैं जो दरिया होते हैं वो इनके अंदर सी समंदर के अंदर जाके गिरते हैं और ओशंस के अंदर व्हेन फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स रन इनटू द सी लेकिन जैसे ही इतना मतलब फ्रेश वाटर जो होता है इनके अंदर जाता है इट ऑल्सो बिकम सॉल्टी ठीक है जब देखिए फ्रेश वाटर जो होता है वो इसके अंदर मिक्स होता है तो ये भी फ्रेश वाटर जो होता है वो भी सॉल्टी हो जाता है ठीक है मरियम हैज़ कलेक्ट सम पिक्चर शोइंग प्लेसेस वेयर फ्रेश वाटर इज़ फाउंड ठीक है अब मरियम ने कुछ पिक्स कलेक्ट की हैं ठीक है जिसमें वो आपको ये दिखाना चाह रही है कि अब फ्रेश वाटर कहाँ से आता है या फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है ठीक है स्ट्रीम्स ठीक है ये जो स्ट्रीम व्हेन द स्नो ऑफ माउंटेन्स मेल्ट्स इन द समर ठीक है जब पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ गर्मियों में पिघलती है ठीक है इट बिकम्स वाटर तो वो क्या होता है कि पानी में चेंज हो जाती है द वाटर फ्लोज एज अ स्ट्रीम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू द वैली तो क्या होता है कि पहाड़ों की चोटियों पर से वो पानी जो होता है स्ट्रीम नदियों की शक्ल में वैलीज़ में आ जाता है ठीक है नीचे आबादी वाले इलाकों में आ जाता है स्ट्रीम्स फ्लो इनटू नियर बाय रिवर और लेक्स और क्या होता है फिर वो नदियाँ बहती हुई क्या करती हैं या तो रिवर दरियाओं में या लेक्स और लेक्स झीलों में शामिल हो जाती हैं नेक्स्ट देखिए क्या है रिवर्स ठीक है अब रिवर्स क्या है दरिया अ रिवर इज़ अ वेरी लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर ठीक है जो बहुत बड़ी नदियाँ होती हैं और मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार मौजूद होती है उसको रिवर बोलते हैं इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स डाउन थ्रू द वैलीज टू द प्लेन्स ठीक है तो ये क्या होता है कि ये माउंटेन्स के जो टॉप्स होते हैं मतलब जो चोटियाँ होती हैं वहाँ से बहती हैं और वैलीज और प्लेन्स में आ जाती हैं बह के नीचे मतलब जो वैली वाले इलाके वादियाँ होती हैं और जो प्लेन्स हमवारे इलाके होते हैं वहाँ पे आ जाती हैं रिवर ऑलवेज़ फ्लो टूवर्ड्स द सी और ओशंस ठीक है जो दरिया होते हैं वो हमेशा मतलब समंदरों की तरफ क्या करते हैं बहते हैं देयर इज़ फ्रेश वाटर इन द स्ट्रीम्स एंड रिवर तो क्या होता है दरियाओं और जो झीलों और इनका नदियों का पानी होता है वो वहाँ पर क्या होता है फ्रेश वाटर मौजूद होता है लेक झील ठीक है व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन लार्ज अमाउंट इज़ वन प्लेस इट फॉर्म्स अ लेक ठीक है कहीं एक बहुत बड़ी मिकदार में पानी का मौजूद होना क्या कहलाता है लेक कहलाता है मतलब झील कहलाता है ठीक है ना लेक कंटेन्स फ्रेश वाटर लेक का भी पानी जो होता है वो फ्रेश होता है मतलब सॉल्टी नहीं होता गॉड हैज़ गिवन अस मैनी वाटर रिसोर्स अल्लाह ताला ने हमें बहुत से पानी के ज़राए दिए हैं
We must keep the water in our rivers and lakes clean because humans and other animals depend on it. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें मतलब वी मस्ट कीप, हमें यकीनन तौर पे क्या करना होगा, इन दरियाओं सम और लेक झीलों का पानी जो है वो साफ़ करना होगा, बिकॉज क्योंकि इंसानों और जानवरों का मतलब इन्हिसार इसी पानी पर मौजूद है. ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़.